मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने संधावली अंडरपास के समीप से 3 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस समेत लूटे गए 3 मोबाइल भी बरामद किए। आला अधिकारियों की माने तो पकड़े गए मोबाइल लुटेरे बड़े ही शातिर किस्म के बदमाश हैं। ये शातिर लुटेरे राह चलते लोगों से मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाया करते थे। एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गिया ने बताया कि ये लुटेरे पिछले 2 से 3 साल से लूट की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस को लंबे समय से कर रही थी। बहरहाल पूछताछ के बाद इन शातिर मोबाइल लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना सिविल लाइन पुलिस की टीम ने जो दिवस में जो मोबाइल छिनैती की जो घटनाएं हो रही थी उसको रोकने के लिए एक टीम लगा रखी थी और उस टीम ने सफलतापूर्वक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हाल ही के दिनों में चोरी हुए हैं 3 मोबाइल, वो भी बरामद हुए हैं। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने और कहां कहां मोबाइल छीने थे और उनको दोबारा सीख बरामद किया जाएगा। ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 3 मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। तीनों के नाम समीर पुत्र रहीस, रुस्तम पुत्र वसीम और शाहनजर पुत्र शाहनवाज। तीनों यहीं के रहने वाले हैं शहर क्षेत्र के और ये लोग मोबाइल छीनने का ही काम करते थे। इनसे भी और पूछताछ करके और इन्होंने कोई मोबाइल छीने हो तो उसको छीन लिया। उन्होंने कितने मोबाइल बरामद किए गए? अभी इनके पास से 3 मोबाइल दिए। सर कब से इस तरह की घटना कर रहे थे? ये जैसा कि अभी पूछताछ में आया है दो तीन साल से ये लोग कर रहे थे। पहले भी शायद ये लोग चोरी करते थे लेकिन अब ये मोबाइल छीन लिया। सर कोई पहले ही मुकदमा दर्ज है किस थाने में? कोतवाली थाने में इनमें पहले भी मुकदमा दर्ज है और अभी और जगह से भी पूछताछ की जा रही है कि कहीं दूसरे जनपद में इन्होंने ऐसी घटना की और वो